दिमाग में हमारे में पॉइंट्स कब आएंगे, जब हमको एक पूरा रिदम पता हो कि हमको इस लीक में चलना है, देन वी कैन एक्सप्रेस अवर व्यूज। जैसे कि मैंने आपसे कहा भाई इवेटीजिंग है, करप्शन है, पॉपुलेशन है, आप सीधे क्या बोलेंगे, माय डियर फ्रेंड्स अवर गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू इट्स बेस्ट टू कंट्रोल द करप्शन, माय डियर फ्रेंड्स अवर गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू इट्स बेस्ट टू प्रमोट द वुमेन एजुकेशन। ग्रुप डिस्कशन में वास्तव में कुछ नहीं है, पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूं, आज तक सिंगल कभी कोई लड़का फेल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, किसी पे इंग्लिश आती हो ना आती हो कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ किस लिए, सोशल इश्यूज, सोशल इश्यूज पे हमको एक बात ध्यान रखना है। जैसे हमारे पास में कोई भी ऐसा मुद्दा है, सामाजिक मुद्दा, वुमेन एजुकेशन हो, वुमेन एम्पावरमेंट हो, इवेटीजिंग हो, या फिर करप्शन हो, पॉपुलेशन हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, जितने भी ऐसे टॉपिक हैं जो किससे संबंधित है बच्चों, समाज से संबंधित हैं, हर टॉपिक में हमारे पास में कॉमन फैक्टर हैं ऐसे जिनको हम बहुत ही इजी वे में एक दूसरे में क्या कर सकते हैं बच्चों, कनेक्ट कर सकते हैं। और कनेक्ट करने के लिए लेकिन हमको सही पता होना चाहिए, सही टाइमिंग होनी चाहिए कि हमको कब कहां पे किस पॉइंट को रिलेट करके बोलना है। जैसे कि हमारे पास में कॉमन से हमने लिखा वुमेन एजुकेशन, ठीक है बच्चों, दूसरा लिखा हमने वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, एक बात समझिएगा आप, यहां पे तीसरा मैंने लिखा करप्शन, लेकिन प्रॉब्लम कहां है, क्या लिखा बच्चों, देखो चैट जीपीटी आ गया है, कुल मिलाकर तो जितने भी ऐसे टॉपिक हैं जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, नए नए लड़के नई नई शकल के आ रहे हैं जीडी कराने के लिए, क्या लिखा बच्चों, दे दिया बेटा अनएम्प्लॉयमेंट, और दोपहर में एक बजे से आपकी इन पांच टॉपिकों पे ग्रुप डिस्कशन होगा, वो ग्रुप डिस्कशन नहीं कहते, वो कहते हैं डिबेट, समस्या कहां रही है, डिबेट समस्या यहां रही है कि नहीं, पता ही नहीं है। जितने भी ऐसे युवा साथी जो गांव से बिलोंग करते हैं, ग्रुप डिस्कशन का नाम सुना और मन में घबराहट शुरू हो जाती है, यू नो व्हाई, बिकॉज ऑफ ए लॉट ऑफ एंड थाउजेंड्स ऑफ द यूट्यूबर्स आर डूइंग टू वर्क ऑन ग्रुप डिस्कशन, यस और नो। तो हमको ग्रुप डिस्कशन में सबसे पहली चीज तो ये है कि बेटा डिबेट नहीं है। आप अगर ये समझ रहे हैं, बहुत से टीचर्स बोलते हैं कि दिन में चार चार बार डिबेट कराता हूं, डिबेट में और ग्रुप डिस्कशन में अंतर है। डिबेट का मतलब है आप सामने वाले को गलत ठहराओगे, आप उसके कटाक्ष में बोलोगे, लेकिन यहां पे अगर हम बात करें ग्रुप डिस्कशन में, द कलेक्शन ऑफ व्यूज है, क्या है बच्चों, द कलेक्शन ऑफ व्यूज, हमको केवल और केवल एक दूसरे के व्यूज को कलेक्ट करना है। इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं। लेकिन बड़ा अफसोस होता है जब कभी मैं यूट्यूब पर वीडियोस देखता हूं और नई नई शकल के लोग आते हैं और बोलते हैं मैंने आज पांच बार डिबेट कराई है। ग्रुप डिस्कशन है, आप उसमें डिबेट करा रहे हैं, सबसे पहले तो बच्चा यहीं पे कंफ्यूज है। डिबेट का मतलब है किसी भी टॉपिक पे हम बात करें उसमें आपको क्या बोलना है, उसके नेगेटिव ही बोलना है। बट राइट नाउ वी आर गोइंग फॉर द ग्रुप डिस्कशन एंड वी हैव टू ऑलवेज रिमेंबर देयर इज नथिंग यू हैव टू स्पीक ऑपोजिट ऑफ द पार्टिसिपेंट दैट इज फ्रंट ऑफ यू, बट यू हैव टू गिव और पुट योर व्यूज ऑन द पर्टिकुलर टॉपिक दैट हैज बीन गिवन टू यू, यस और नो, यस, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टार्ट द ग्रुप डिस्कशन, देन ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, Whenever we are given, there are three types of the topics. First is science and technology. Second is social issues. Third is international issues. हो सकता है कोई भी point हो सकता है, कोई भी fact हो सकता है. Yes. अब यहां से हमको क्या ध्यान देना है बेटा, जब हमारे पास में बात चलता है social issues पे, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में बात ये आनी चाहिए बेटा social issues पे, social issues. सबसे पहले ध्यान रखो बेटा क्या, जो हमारा टॉपिक दिया है वो क्या है। हमको ये पता चल गया जैसे कि करप्शन दिया है, करप्शन क्या है, ये एक बैड एक्टिविटी है, डिसऑनेस्टी को दर्शाती है, इलीगल वे को दर्शाती है। आपको पहले उसकी डेफिनेशन को शो करना है, आपने पहले बताना ये है क्या, उसके बाद में आप बताइए क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, या इसके साथ में ऐसे बताइए कि वो कैसे हो रहा है, क्यों या कैसे हो रहा है। जैसे कि आपने कहा जी करप्शन है, करप्शन पे आप बताइए क्यों हो रहा है। दिमाग में हमारे में पॉइंट्स कब आएंगे, जब हमको एक पूरा रिदम पता हो कि हमको इस लीक में चलना है, देन वी कैन एक्सप्रेस अवर व्यूज।
बट इफ यू आर ट्राइंग टू ओनली स्पीक अबाउट द टॉपिक एंड यू हैव नो एनी आइडिया इन द सीक्वेंस व्हाट वी हैव टू अप्लाई, अगर हमको ये नहीं पता कि सीक्वेंस क्या है, किस सीक्वेंस से हमको बोलना है, देन हाउ इट इज पॉसिबल, यस और नो? तो हमने कहा यहां पर पहले, सबसे पहले क्या, यानी कि हमको टॉपिक क्या दिया गया है उसके विषय में बोलना है, एंड आफ्टर देन ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, उसके बाद में आप ध्यान करिए इसको रोकना है या बढ़ाना है। अरे बोलो बच्चों, क्या इसको रोकना है या बढ़ाना है? जैसे कि अपने पास में मान के चलिए वुमेन एम्पावरमेंट है, तो इसको बताइए बढ़ाना है, इसको कैसे प्रमोट करना है, हाउ कैन वी प्रोवाइड द राइट्स एंड द पावर फॉर द वुमेन, यस और नो? और मान के चलिएगा अगर यहीं पे होता एक टॉपिक इवे टीजिंग, क्या होता इवे टीजिंग, देन व्हाट यू हैव टू डू, कंट्रोल, हाउ कैन इट बी कंट्रोल इवे टीजिंग, यस और नो? देन उसके बाद में आप बताइए इसी पे रोकने से संबंधित को लेकर के गवर्नमेंट के बारे में, ये जो हमने लिखा है ना रोकना और बढ़ाना, इतना आसान ग्रुप डिस्कशन हो जाता है जब हम इन नियमों को फॉलो करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा भाई इवे टीजिंग है, करप्शन है, पॉपुलेशन है, आप सीधे क्या बोलेंगे, माय डियर फ्रेंड्स अवर गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू इट्स बेस्ट टू कंट्रोल द करप्शन, माय डियर फ्रेंड्स अवर गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू इट्स बेस्ट टू प्रमोट द वुमेन एजुकेशन है। अब बताइए आप गवर्नमेंट हमारी क्या कर रही है वुमेन एजुकेशन के लिए, माय डियर फ्रेंड्स अवर गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू इट्स बेस्ट टू प्रमोट द वुमेन एजुकेशन, यू नो वेरी वेल अवर गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड मेनी टाइप्स ऑफ द स्कीम्स फॉर द वुमेन्स और गर्ल्स लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या जनधन योजना, एंड इन मेनी स्टेट्स अवर गवर्नमेंट इज ऑल्सो ऑफरिंग टू द गर्ल्स साइकिल बाइसाइकिल लैपटॉप स्कूटी स्मार्टफोन एंड मेनी मोर थिंग्स, यस और नो? एंड फॉर द एजुकेशन, so that girls can attract for the education, our government is also providing them 33% reservation, yes or no? तो आप बताइए करप्शन पे बात कर रहे हैं तो करप्शन पे आप सीधे मुद्दे को लाइए, my dear friends our government is trying to do its best to control the corruption, our government has provided toll free numbers, yes or no? We can complain on toll free number 1090, yes or no? बहुत इजी है, लेकिन प्रॉब्लम कहां है? अभी देखो चैट जीपीटी आ गया है, डायरेक्ट वहां पे डाला वुमेन एजुकेशन, पूरा लिख के आ गया, नए नए लड़के नई नई शकल के आ रहे हैं जीडी कराने के लिए, उतार के दे दिया बेटा ये रट लो, और दोपहर में 1 बजे से आपकी इन 5 टॉपिकों पे ग्रुप डिस्कशन होगा। वो ग्रुप डिस्कशन नहीं कहते, वो कहते डिबेट होगी। डिबेट में और ग्रुप डिस्कशन में अंतर है कि नहीं है पता ही नहीं है, और बच्चे भी मतलब भाग रहे हैं आधे होके, भाग रहे हैं कि चलो भाई वहां चल रहे हैं, क्योंकि YouTube की दुनिया ने चकाचौंध कर रखा है। ग्रुप डिस्कशन में वास्तव में कुछ नहीं है, पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूं, आज तक सिंगल कभी कोई लड़का फेल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? किसी पे इंग्लिश आती हो ना आती हो कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ किस लिए? क्योंकि उसको हम तार्किक तरीके से लॉजिकली अगर हम सीखने की कोशिश करें देन इट कैन बी कंप्लीटेड विद इन 7 days, बट व्हाट्स गोइंग ऑन, ए स्टूडेंट हु हैव गेट द नॉलेज ऑफ द ग्रुप डिस्कशन and he has sustained himself with 2 or 3 months, but he is also getting failure. You know why? Because we have not any logical rhythm for the phase 2. Yes or no? So, सबसे main चीज है कम समय में अच्छी बातों को समझना. How we have to make the group discussion attractive and effective? Yes or no? So, हमारा जो topic है हम उसपे बात करने वाले हैं बच्चों. आइए.